चलिए आज की क्लास में हम लोग देखेंगे वाटर वास्कुलर सिस्टम इन प्लांट, सॉरी वाटर वास्कुलर सिस्टम इन स्टार फिश। आज का टॉपिक हम लोग का यही है कि स्टार फिश में जो तारा मछली होता है उसमें कैसे होता है, ये पानी का फ्लुएंस कैसे होता है, पानी कैसे फ्लो करता है, इसी चीज़ों को हम लोग आज देखने जा रहे हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्या बोला जा रहा है इसमें, बोला जा रहा है कि बोला जा रहा है कि वाटर वास्कुलर सिस्टम इज पेकुलियर सिस्टम ऑफ कैनाल। वाटर वास्कुलर सिस्टम में मुख्य रूप से ये एक पेकुलियर सिस्टम होता है, ठीक है, जिसमें फ्लूड जो होता है वो ट्रेवल करता है एक जगह से दूसरे जगह तक, मतलब पानी के माध्यम से ही इसके बॉडी वाटर का फ्लो होता है, वाटर सही से ट्रेवल कर पाता है। किसके वजह से? पानी की वजह से वाटर इसके बॉडी में ट्रेवल कर पाता है। कह रहा है कि सी ये कंसिस्ट ऑफ सी वाटर, मुख्य रूप से आपको कहाँ मिलेगा? समुद्र के पानी में मिलेगा, ठीक है। इट आल्सो कॉल्ड एम्बुलेटरी सिस्टम। क्या कह रहा है कि वाटर वास्कुलर सिस्टम एक पेकुलियर सिस्टम तो होता ही है, पूरे बॉडी में कैनाल पाया जाता है और उस कैनाल के माध्यम से समुद्र के पानियों को लेन देन करने का काम करता है, इसलिए इसको कहते हैं एम्ब्यूलेसरल सिस्टम, ठीक है। एंड इट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकाइनोडर्म नॉट फाउंड इन सीवेयर। यह मतलब यह जो अग्रिम होता है यह मुख्य रूप से किस फाइलम से आता है? इकाइनोडर्माटा से आता है। तो ये सब जगह आपको समुद्र में भी सब जगह नहीं पाया जाएगा, ठीक है। इसके पास जो सीलोम होता है कि बॉडी के अंदर एलिमेंट्री कैनाल के आसपास में एक लेयर मिलता है जिसे सीलोम कहते हैं, तो इसका जो सीलोम होता है बहुत अच्छा होता है, ठीक है, जो पानी के लिए खास करके बना होता है, हाइड्रोलेसल सिस्टम के लिए बना होता है। वाटर वास्कुलर सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ वाटर वास्कुलर, पानी में चीजों को ट्रेवल करने के लिए इसके पास क्या क्या चीज देखने को मिलता है, ठीक है, या किन किन चीजों से यह चीजों को ट्रेवल कर पाता है। तो इसके लिए जो पहला चीज पाया जाता है उसका नाम है मेड्रिट। पहला चीज जो आता है वो आता है मेड्रीपोराइट। आवाज जा रही है तो मैसेज कीजिएगा। तो आवाज जा रही है आप लोग को? वाटर वास्कुलर सिस्टम जो हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इस वाटर वास्कुलर सिस्टम में स्टार फिश के बारे में पढ़ रहे हैं कि स्टार फिश के अंदर वाटर वास्कुलर सिस्टम या चीजें किस तरह से ट्रेवल करती है। तो एक ऐसा माध्यम होता है, पानी एक ऐसा वे होता है जिसके माध्यम से के अंदर सारी चीजें ट्रांसपोर्ट कर पाता है, किसमें? स्टार फिश में। हाँ। और स्टार फिश के कॉर्नर पे जो छोटा छोटा दिख रहा है वो ट्यूब फिट हो गया, और इसके छोटा छोटा उसके ऊपर में निकला हुआ जो उसको टेंटाकल्स कहते हैं, ये बीच में जो होता है इसको मेड्रीपोराइट कहते हैं। हाथ से छिप गया है मेड्रीपोराइट, लेकिन यहाँ ये मेड्रीपोराइट ही है, ठीक है। तो ये मेड्रीपोराइट हो गया, और इसके अलावा इसका बॉडी इस तरह का रहता है। इसके बॉडी को जब काटते हैं हम लोग, हालांकि इसको बॉडी को जितना टुकड़ा में काटिएगा उतना टुकड़ा में कट सकता है। जब बॉडी दो भागों में बटेगा को बाएंगे में बढ़ सकता है तो उसको रेडियल सिमेट्रिकल कहेंगे। तो स्टार में बॉडी कई भागों में बढ़ सकता है, इसलिए यह रेडियल सिस्टम इसके पास आया, ठीक है। इसके बॉडी में पानी को ट्रेवल करने के लिए इस तरह से व्यू दिया गया है जो ग्रुप के माध्यम से पानी ट्रेवल होता है। तो सबसे पहला बात हम लोग देख रहे हैं किसके बारे में? मेड्रीपोराइट। आठ ऐसे अंग है जो पानी को ट्रेवल करता है, मतलब वाटर वास्कुलर सिस्टम के लिए
स्टार फिश में कुल मिला के कितने अंग पाए जाते हैं? तो 8 ऐसे अंग पाए जाते हैं जिसके वजह से इसके पानी में ट्रेवल हो पाती है। ठीक है, कौन कौन चीज हो गया? तो सबसे छोटा और हार्ड और राउंड जो पार्ट होता है, कैलकेरियस प्लेट होता है, एक हो गया। इट इज लोकेटेड एबोरल सरफेस ऑफ इंटर रेडियस पोजिशन, यह मुख्य रूप से कहाँ पाया जाएगा? तो इंटर रेडियस पोजिशन, रेडियस क्या होता है? तो बीच उस जगह पर यह पाया जाता है, इसको इंटर रेडियस पोजिशन कहते हैं। ठीक है, द आर्म फॉर्मिंग दिस इंटर रेडियस बाइवेलम। देखिए, अगर दो इस तरह का व्यू तरफ इधर है और यहां बीच में पाया जा रहा है तो इसको कहेंगे बाइवेलम, लेकिन इस तरफ को व्यू है और इधर एक को मिल रहा है और इस बीच में पाया जाता है तो इसको कहते हैं ट्राइवेलम। तो यहां पर बाइवेलम बोल रहा है। वाइल द रिमेनिंग आर्म आर ट्राइवेलम, मतलब मेड्रिपोराइट उस जगह पे पाया जाएगा जिसमें दो दो तरफ आर्म होंगे, एक तरफ सिंगल होगा, या तीन तरफ आर्म होंगे एक तरफ सिंगल होगा। तो इसको या तो हम, और उस बी लोकेशन पर यह मेड्रिपोराइट पाया जाता है। द आउटर सरफेस ऑफ मेड्रिपोराइट, जो बाहरी सरफेस होता है मेड्रिपोराइट का, उसके अंदर बहुत सारा पतला पतला वे भी फ्यूरो ग्रुप्स होते हैं। ये जो दिख रहा है, ये ग्रुप वाला हिस्सा, अभी हम आपको ये जो ग्रुप वाला हिस्सा दिख रहा है इसके बॉडी के अंदर, ठीक है, ये ग्रुप वाला हिस्सा जो दिख रहा है, ये मुख्य रूप से क्या है? ये मेड्रिपोराइट का न्यूमीरियस रेडिएटिंग नैरो स्ट्रेट वेव है जिसके माध्यम से चीजें ट्रेवल करने में मदद मिलता है। अब हम लोग पेज नंबर 2 पे चलते हैं। पेज नंबर 2 में क्या बोला जा रहा है, क्या कह रहा है? द बॉटम, द हो जा रहा से ये एक मिनट, द बॉटम, इसके बॉटम पे लगभग 2.5 मिनट छोटा छोटा मिनट पोड़ होता है जो आपस में अरेंज रहते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग सीव ट्यूब के नाम से जानते हैं, थोड़ा सा ढक गया होगा, जिसको हम लोग सीव ट्यूब के नाम से जानते हैं। ये बहुत छोटा छोटा लाइनिंग होता है और ये ग्रुप में पाया जाता है जिसको हम लोग कलेक्टिंग कैनाल के नाम से जानते हैं, कलेक्टिंग कैनाल के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। और ये सारे के सारे कैनाल एक जगह खुलते हैं जिसको कैनाल को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पूला कहते हैं। अब इस डायग्राम को आप देखने की कोशिश, डायग्राम में क्या क्या दिखाया जा रहा है ये देखिए। डायग्राम में यहाँ पे आपको दिया गया है वी एस ऑफ, मतलब वेंट्रिकुलर सेक्शन ऑफ मेड्रिपोराइट। मेड्रिपोराइट में सबसे पहला जो अभी आप मेड्रिपोराइट के बारे में देख रहे हैं, मेड्रिपोराइट एक छोटा छोटा ग्रुप होता है, इसके ऊपर में पतला पतला हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको सीलिया कहते हैं। ठीक है, अब इस बॉडी के अलग अलग जगहों पर देखेंगे छोटा छोटा रास्ता दिया जिसको पोर के नाम, पोर कैनाल जब आगे बढ़ता है तब जो कैनाल मिलता है उसको कलेक्टिंग कैनाल बोलते हैं। कलेक्टिंग कैनाल से पानी आके इकट्ठा होता है, एम्पूला कहलाता है। साइड वाले रीजन को एक्सियल ऑर्गन बोलते हैं। ठीक है, अगर उस तरफ के एंगल तो एक्सियल साइनस के नाम से जानते हैं। पानी इसके अंदर घूम घूम के जाता है। ठीक है, तो इस घूम बीच में जो खाली जगह बनता है उसको रीज कहते हैं। ठीक है, और इस जो स्टोन कैनाल है उसके ग्रूव को, तो इस तरह से पानी जो हो गया वो मेड्रिपोराइट से होते हुए बॉडी के अलग अलग हिस्सों करता है। ठीक है, इसलिए आपको बताया गया कि 150 अढ़ाई 250 मिनट अरेंजमेंट होते हैं इस तरह से। ये सब जगह कलेक्टिंग कैनाल तक आके खुलते हैं, कलेक्टिंग कैनाल चीजें को आगे बढ़ाती हुई एम्पुला तक जाता है। एम्पुला जो होता है वह एम्पुला वो रीजन है जो मेड्रिपोराइट के आगे की में ले जाता है। फिर वहां से आगे बढ़ते हुए वेस्टोन कैनाल तक आ जाता है, उन चीजों को आगे बढ़ाने का काम करता है। तो अब स्टोन कैनाल में आगे देखेंगे, तो ये बीच में जो स्ट्रक्चर दिख रहा था यही स्ट्रक्चर यहाँ स्टोन कैनाल, इसी को बड़ा करके दिखाया गया है। अब स्टोन कैनाल में छोटा छोटा जो दिख रहा है उसको लेमेला कहते हैं। ये ल्यूमेन ऑफ स्टोन कैनाल हो गया। क्या होता है स्टोन कैनाल, कैसा दिखता है? इसको हम लोग एस शेप कहते हैं। ठीक है, यह दोनों हिस्से से जुड़ा हुआ रहता है, दोनों मतलब एम्पूला से जुड़ा रहता है, क्योंकि एम्पूला पहले वाला हिस्सा है, पहले वाले पॉइंट में देखे एम्पूला था। तो एम्पूला के आगे वाले हिस्सों को हम लोग स्टोन कैनाल के नाम से जानते हैं, इसी को हम लोग स्टोन कैनाल से आगे जब चीजें बढ़ता है तो कहाँ जाता है, रिंग कैनाल के तरफ आ जाता है। स्टोन कैनाल
कह रहा कि इसका शेप एस शेप होता है, कम्युनिकेट कैनाल तक लाने का काम करता है। इट वाल्व इज एस्टिएटेड बाई कैल्सीफेरस रिंग, इसका जो वाल्व होता है कैल्सियम क्लोराइड का बना होता है, CaCO3 होता है, ठीक है। अंदर से पूरा इसमें फ्लै डी के ऊपर में हेयर लाइक स्ट्रक्चर को फ्लैजिला कहते हैं, ठीक है। एंड इसी फ्लैजिला की वजह से इसके बॉडी के अंदर चीजें मूव करती रहती है, या पानी इसके बॉडी में जब जाते रहता है तो पानी के करंट से चीजें मूव करती है, ठीक है, अंदर की तरफ मतलब इंटीरियर तरफ मूव करता है। इन द इमरानी कंडीशन, जब ये बच्चा अवस्था में रहेगा, कौन, स्टार फिश, तो स्टोन कैनाल सिंपल क्यूब होंगे, स्टोन कैनाल नहीं रहेंगे, सिंपल टाइप का रहेंगे। लेकिन जब जैसे ही ये ग्रो करता बाद यह बाइफर्केट हो जाता है, बाइफर्केट मतलब दो भागों में इस तरह से बढ़ जाता है, ठीक है, और स्पाइरली अरेंज हो जाता है। स्पाइरली मतलब एक इधर एक इधर, स्पाइरली इसकी हो जाती है। तो ये चीज था दूसरा पॉइंट में जिसको हम लोगों ने देखा। तो ये दो पॉइंट हो गए। अब आपको पढ़ना कौन है तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट का नाम क्या है, रिंग कैनाल, इट इज सिंपल, ठीक है, अराउंड दिस सिंपल होता है, ठीक है, रिंग कैनाल वाइड होता है, पेंटागोनल रिंग लाइन होता है, ठीक है, अराउंड द ओसोफेगस एंड पेनिट्रेट द वेसल्स रिसीव रेडियल कैनाल एंड अरेंज द रेडियल कैनाल। ये आपस में रेडियल कैनाल को क्या करके रखने का काम करता है, अरेंज रखने का काम करता है, अरेंज रहता भी है चीजों को करता है, ठीक है। तो ये रिंग कैनाल सिंपल होता है, ठीक है। तो रिंग कैनाल जो होता है इस तरह के बनावट होते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे जा रहे हैं टाइडमैन बॉडी। ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है कि ये स्टार फिश का वाटर वास्कुलर सिस्टम है, इसके माध्यम से पानी इसमें ट्रेवल करता है। तो देखिए सबसे ऊपर का स्टेप मेड्रीपोराइट, मेड्रीपोराइट से एक ट्यूब आया जिसका नाम क्या हो गया, स्टोन कैनाल हो गया। स्टोन कैनाल की संख्या कितनी है, तो एक दिख रहा है, तो मेड्रीपोराइट एक है, स्टोन कैनाल एक है। अब देखिए यहाँ पर पतला पतला इस इधर भी ट्यूब है, इधर भी ट्यूब है, इधर भी ट्यूब है, इधर भी ट्यूब है, तो कुल मिला के रेडियल कैनाल की संख्या कितनी हो गई, 1 2 3 4 5, पांच रेडियल कैनाल हो गए। और हर रेडियल कैनाल के ऊपर में पानी को सोखने के लिए जो पिलता है उसको सकर्स बोलते हैं। सकर्स चीजों को भेज देता है कहाँ, तो एम्पूला में चला जाता है। तो सकर और एम्पूला को मिला के हम लोग जिस नाम से जानते हैं उसका नाम ट्यूब फिट हो गया। पानी इसी के माध्यम से चूसता है, मतलब सकर के माध्यम से पानी को चूसता है, पानी को ले जाता है कहाँ, एम्पूला, एम्पूला से पतला सा ट्यूब में भेजने का काम करता है। एम्पूला के माध्यम से पतला से उस ट्यूब को क्या कहते हैं, लेटरल कैनाल कहते हैं। लेटरल कैनाल से पानी कहाँ चला जाता है, तो रेडियल कैनाल में जाता है, ठीक है। लेटरल कैनाल से पानी जो चला जाता है वो कहाँ चला जाता है, लेटरल कैनाल में चला जाता है। इस तरह से पानी जो हो गया वो ट्रेवल करता रहता है। तो पहला पॉइंट क्या आप लिखेंगे, पहला पॉइंट सकर हो गया, पहला पॉइंट का नाम हो गया सकर, एक नंबर पॉइंट हो गया सकर, दो नंबर पॉइंट क्या हो गया एम्पूला, तीन नंबर पॉइंट क्या हो गया रेडियल कैनाल हो गया, ठीक है, सॉरी एक मिनट एक मिनट, दो नंबर पॉइंट हो गया एम्पूला, तीन नंबर क्यों हो गया लेटरल कैनाल, चार नंबर क्या हो गया रेडियल कैनाल। मतलब ये कौन सा रास्ता है, ये वो रास्ता है जिसके माध्यम से इसके बॉडी के अंदर पानी ट्रांसपोर्ट करता है, रेडियल कैनाल तक चला गया चीज। अब रेडियल कैनाल से चीजें जब आगे बढ़ेगी तो ये कहाँ जाएगा, इस सरफेस पे चला जाएगा। तो इस सरफेस को हम लोग कहते हैं कौन से कैनाल, तो इस सरफेस को हम लोग बोलते हैं रिंग कैनाल। ये हो गया रिंग कैनाल, तो ये पांच नंबर हो गया रिंग कैनाल। रिंग कैनाल से फिर आगे बढ़ेगा तो उसको कहेंगे छठा, जिसको टाइडमैन बॉडी बोलेंगे। यही डायग्राम आपको बनाना भी है, वो डायग्राम आपको बनाया था उसको बनाना नहीं है, डायग्राम आपको यही बनना है, ठीक है। तो टाइडमैन बॉडी कैसा होता है, तो छोटा होता है, स्मॉल होता है। टाइडमैन बॉडी कैसा होता है, छोटा होता है। तो छोटा होने से क्या फायदा है, तो छोटा होने से ये फायदा है कि टाइडमैन बॉडी जो होता है छोटा होता है, मतलब ये छोटा एक कैनाल को जितनी बड़ा एरिया होगा उतना ही बड़ा कैनाल उसमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो उसको हम लोग टाइडमैन बॉडी कहते हैं। तो टाइडमैन बॉडी कैसा होता है, छोटा हो गया, राउंड हो गया और पीला कलर का होता है। किस कलर का होता है, पीला कलर का यह पाया जाता है। किस कलर का, पीला कलर का, ठीक है। इसका जो अंदर का साइड होता है, कौन सा साइड, अंदर का साइड होता है, इनर साइड जो होता है वो कैसा होता है, इनर साइड जो होता है, एक मिनट हाईलाइट को थोड़ा, ठीक है। इसका जो इनर साइड होता है रिंग रिंग कैनाल का, दीज ओपन इन टू द रिंग, या रिंग के माध्यम से, इस रिंग के माध्यम से खुलने का काम करता है। एंड नाइन इन नंबर, इसकी संख्या कितनी, छोटा छोटा गोल गोल जो दिख रहा है, 1 2 3 4, इसकी संख्या कितनी होगी,
नाइन होगी, ठीक है, नाइन कैनाल के रूप में ये पाया जाएगा, ठीक है। और सब में क्या होगा, नाइन नंबर बियरिंग लोकेटेड बिटवीन द ईच रेडियस, और सब के सब रेडियस पे मौजूद होंगे, ठीक है, और एक चारों तरफ से घेर के रखने का काम करेंगे, जिसको हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो ये इसकी बॉडी का स्ट्रक्चर हो गया। पांचवा पॉइंट कह रहा है कि जिसका नाम है क्या, पोलियन वेसिकल्स। पोलियन वेसिकल्स कहाँ हो गया, तो बॉडी के ऊपर में एक छोटा सा स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसका नाम पोलियन वेसिकल्स हो गया। यहाँ पर पोलियन वेसिकल्स क्या होता है, इसकी संख्या 4 से 5 में होता है, मतलब हर जगह पर एक यहाँ है, 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 मिनिमम 4 से 5 इसकी संख्या होती है, ठीक है। और यह ब्लडर लाइक होता है, ब्लडर मतलब थैला जैसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, इंटर रेडियाई पोजिशन पे पाया जाता है, लेकिन इसके स्टार फिश की एक प्रजाति है जिसका नाम एस्टेरिस, इसमें यह नहीं पाया जाता है। ये क्या करता है, तो ये स्टोरेज करता है, क्या चीज़ स्टोर करता है, तो फ्लूड को स्टोर करता है, ताकि पानी जब शरीर में कम हो जाए उस दौरान इसको भोजन या जो चीज़ें लेना होगा उस चीज़ को मेंटेन करके रखने के लिए ये पोलियन बॉडी का जरूरत पड़ता है। छठा पॉइंट क्या है, रेडियल कैनाल। रेडियल कैनाल की संख्या कितनी होती है, तो 5 में होती है, 5 संख्या में होती है। रेडियल कैनाल कहाँ है, तो आप देख रहे हैं, एक यहाँ है, एक ट्यूब की तरह यहाँ है, एक ट्यूब की तरह यहाँ है, एक यहाँ है, तो 5 की संख्या में रेडियल कैनाल पाया जाता है। दीज एराइज फ्रॉम रिंग कैनाल, ये चारों गोल जो रचना दिखा है उसको रिंग कैनाल कहते हैं, उसी से ये जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। और ये जो होता है इसके ये एक सेंसरी ट्रैकल्स का निर्माण करने का काम करता है, ठीक है, संवेदना के रूप में काम करता है और चीजों को ट्रांसपोर्ट करने में भी मदद करता है। लास्ट देख रहे हैं कौन सी, लेटरल कैनाल, सातवां पॉइंट देख रहे हैं लेटरल कैनाल, ठीक है, ये किससे जुड़ा रहता है, इच रेडियल कैनाल एराइज न्यूमीरियस पेयर्स आइदर साइड, चारों तरफ से पेयर में ग्रो करता है, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, लेटरल कैनाल कहते हैं, जो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, आपस में एक दूसरे से कनेक्ट रहने का काम करते हैं। तो ये चौथा पॉइंट हम लोग देखने जा रहे हैं किसके बारे में, रेडियल कैनाल। यह जो होता है फिट होता है, ट्यूब फिट मतलब ट्यूब फिट एक स्ट्रक्चर को देखे कितने ही थे, स्ट्रक्चर में देखेंगे तो आपको ट्यूब फिट नजर आ रहा होगा, ट्यूब फिट शुरू में ही सबसे पहले ही आपको ट्यूब फिट दिखाया गया, इसमें पहला पेज में हम लोग ट्यूब फिट देखने का काम किए थे, दूसरा पेज में सर, दूसरा फिट में ट्यूब फिट, ट्यूब सिर के माध्यम से पानी जो होता है ट्रेवल करता है, ट्यूब फिट हम कहीं देखे थे, ठीक है, यहाँ पर मतलब एम्पुला और पोडियम को हम लोग ट्यूब फिट के नाम से जानते हैं। ये हो गया, तो ट्यूब फिट जो होता है क्या कर रहा है कि लेटरल कैनाल वाल्वा विच चेक द फ्लो ऑफ वाटर, एक लेटरल कैनाल आपको दिखाया गया है जो पतला सा ट्यूब था, उस ट्यूब के माध्यम से में उसमें वाल्वा पाया जाता है, और वाल्वा क्या करता है कि पानी कितनी मात्रा में आ रहा है उसी मात्रा में भोजन भी आएगा, तो इसके लिए ट्यूब फूड चेक करता है कि फ्लो कितना है वाटर का, उस हिसाब से फूड को भी फूड की आने की अमाउंट को चेक किया सकता है, फूड की मात्रा के आधार पर वो अपने लाइफ को चेक कर सकता है कि वो लंबा टाइम तक रहेगा, कम टाइम तक रहेगा, कितना देर तक फूड आता रहेगा, तो ट्यूब फूड वो रास्ते होते हैं जिससे फ्लो चेक किया जाता है वाटर का प्रेशर क्या है। लास्ट आठवां ट्यूब फिट के बारे में, वन ट्यूब फिट इज प्रेजेंट ऑन द टिप ऑफ द लेटरल कैनाल, हर सब के टिप पर, लेटरल कैनाल के टिप पर ट्यूब फिट पाए जाते हैं, अंदर से खोखला पतला और क्लोज वाल्व स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिसमें सबसे पहला स्ट्रक्चर जिससे पानी को खींचता है उसको सकर कहते हैं, सकर चीजों को ले जाता है जिसमें एम्पुला कहते हैं, एम्पुला पोडिया और मिडिल हिस्सा को पोडियम के नाम से जानते हैं, सब आपस में एक दूसरे से जुड़ जाता है और इस सिस्टम को ट्यूब फिट कहते हैं। ट्यूब फिट वो रास्ते होते हैं जिससे पानी खींचा भी जाता है, ट्रांसपोर्ट करके हम लोग इससे पहले वाले पार्ट ट्यूब फिट को मतलब वो कैनाल को दिया जाता है, ठीक है। ये सारी बातें हो गई इसके अंदर की, इसमें क्या होता है वाल्वा भी पाया जाता है, वाल्वा क्या होता है कितना प्रेशर है पानी का इस चीज को ले जाने के लिए काम करता है। अब वाटर वास्कुलर सिस्टम का फंक्शन क्या होता है, तो अगर स्टार फिश के अंदर, तारा मछली के अंदर पानी अगर नहीं जाएगा, पानी अगर ट्रेवल नहीं करेगा, तो ऐसे कंडीशन में फूड कैसे आगे बढ़ेगा, या उसके बढ़, क्योंकि पानी के प्रेशर से ही फूड आगे जा पाता है, तो फूड को हैंडल करने के लिए ट्यूब फिट की जरूरत पड़ती है, या वाटर वास्कुलर सिस्टम की जरूरत पड़ती है। तो ट्यूब फिट एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन हो जाता है, क्योंकि इसमें दो तीन पार्ट होता है और शुरुआत चूंकि वहीं से होती है, तो इसलिए ट्यूब फिट जरूरी होता है। इसके माध्यम से क्या करता है, किसी भी चीज को कैप्चर कर सकता है, हैंडल कर सकता है, आगे भेज सकता है। ट्यूब फिट एक ऐसा ऑर्गन होता है जिससे किसी भी सरफेस पे जाके अटैच हो सकता है, ठीक है,
वाटर वास्कुलर सिस्टम से और फायदा क्या है? इसको गैस, हर दुनिया में जितने भी जीव है सबको गैस की जरूरत होती है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड की। तो गैसों को लेन देन करने के लिए ट्यूब फूड की मदद से या रिस्पायरेशन भी कर सकता है, मतलब ऑक्सीजन ले सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ सकता है। लेकिन केवल गैस नहीं लेगा, जब पानी आइस के बॉडी में इंटर करेगा तो उस पानी के साथ ही उसका गैस इंटर कर जाएगा, ठीक है? मतलब उस ऑक्सीजन के, जैसे मछली पानी में रहती है तो पानी कहीं बाहर, ऑक्सीजन कहीं बाहर जाता है, उस पानी में घुला हुआ रहता है, उस घुले हुए ऑक्सीजन को ले लेती है। ऐसा तो नहीं ना कि वाटर का स्रोत होता है H2O और उसमें से O ले लिया तो H2 बच गया, तब तो कहीं पानी ही नहीं रहता, पानी उसमें घुला हुआ रहता है, उसी घुले हुए फॉर्म में या गैसियस को या सब्सटेंसों को ग्रहण कर लेती है, चीज लेती है। तो वाटर, अगर वाटर इसके बॉडी में नहीं ट्रांसपोर्ट करेगा तो यह गैस भी नहीं ले जाएगी, चीजों को बाहर, अपशिष्ट पदार्थों को बाहर भी नहीं छोड़ पाएगी, रिप्रोडक्शन भी नहीं कर पाएगी, ठीक है? तो वाटर इसके बॉडी में खाना पीना रहना सहना मतलब सारा लाइफ प्रोसेस करने के लिए जरूरी होता है, ठीक है? इसलिए वाटर वास्कुलर सिस्टम के माध्यम से ये जगह भी बदलने का काम करती है, ठीक है? एक हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जनरेट करती है, जैसे आप ट्रैक्टर सब में देखते रहिएगा कि ट्रैक्टर रहता है ऐसा ही अपने आप उलट जाता है, मतलब उसका हाइड्रोलिक प्रेशर की वजह से उलट जाता है। तो बस उसी तरह से पानी के प्रेशर की वजह से ये अपने सिस्टम को परफॉर्म कर पाता है। इस तरह से ये टॉपिक आपका समाप्त हो गया, ये टॉपिक हम लोग पढ़ लिए, रिकॉर्डिंग में हमने डाल दिया था, आप इसको कर लीजिएगा। प्रॉब्लम अगर होगा तो आप बताइएगा, हम प्रॉब्लम आगे के दिनों में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? कोई दिक्कत नमदा, मैसेज पे बोलिए, चैट पे, ओके है? कोई दिक्कत है? ऐसे रिकॉर्डिंग डाल दिए हैं, चलिए ठीक है। तो ये आपको, हम लगता है ये हम लोग का लास्ट क्वेश्चन था इस ग्रुप में, ठीक है? अब नया नया क्वेश्चन हम लोग, नया ग्रुप हम देंगे, ठीक है? अगर पूरा हो गया होगा तो चेक कर लीजिएगा एक बार, इसलिए हम बोले थे कि चेक कर लीजिएगा। तो हम नया ग्रुप का क्वेश्चन आज हमने ऑफलाइन वाले लोगों को लिखाया है, तो अगर आप लोग का ये पूरा हो गया होगा तो ऑफलाइन वाले भी जो क्वेश्चन हमने आज लिखा है उसको आपको दे देंगे। तो पहले चेक कर लीजिए कि आपका सारा क्वेश्चन इस ग्रुप का हो गया है या नहीं हुआ है। चलिए, ओके, गुड नाइट।